नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे 1960 कुंभ राशि बर्थ पर्सन। 1960 में कुंभ राशि का जो जन्म हुआ है उसका कैसा हिसाब किताब है, किस तरह से रहना है उनको, उनके साथ क्या क्या घटनाएं बनी है और आगे क्या प्रिकॉशन लेने हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1960 में 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, उसमें जो भी व्यक्ति पर्सन कुंभ राशि में जन्म लिए हैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा विचार करेंगे। देखिए, शनि आपकी जो राशि का लॉर्ड्स है वो शनि महाराज है और शनि जाके खुद बैठा है 11th हाउस में। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। लग्नेश का जब भी 11th हाउस में जाके बैठना और वो भी धनु राशि में, गुरु की राशि में, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये सब बात है 14 अगस्त के बाद की। और दूसरे 14 अगस्त के 1 जनवरी से 14 अगस्त तक गुरु यहाँ बैठे थे कर्म स्थान में, इसलिए आपके लिए ऐसा बोला जाएगा कि आप बिजनेस को ज़्यादा प्राधान्य देते हो, अपना जो बिजनेस है उसको आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जॉब वगैरह में आपने बचपन से, कम उम्र से आपने ये फील्ड में जाने का पसंद कर लिया, जॉब है या बिजनेस है या कोई भी काम है वो आपने बहुत सी छोटी सी उम्र से काम का चालू कर दिया, सीखना चालू कर दिया पढ़ाई के साथ, या पढ़ाई छोड़ के बिजनेस को, जॉब को ही इम्पोर्टेंस देके आपने अर्निंग करना चालू कर दिया, कम उम्र में आपने कमाई करना चालू कर दिया और आपके पिताजी का आपको साथ मिला, आपके जो बॉस है उसका आपको साथ मिला, आपके साथ जो लोग जुड़े थे उसका आपको साथ मिला, इसलिए यहाँ गुरु बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। यहाँ का गुरु, दशम स्थान का गुरु आदमी को धन सुख देता है, धन वैभव देता है, काम काज में बहुत ऊपर लेके जाता है, टॉप पोजीशन पे बिठाता है। यहाँ गुरु का कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर्टी सुख देता है। यहाँ गुरु खुद अपने 4th हाउस को देख रहे हैं, 6th हाउस को देख रहे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं, तो कुटुंब फैमिली का भी आपको साथ मिला है, कुटुंब फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, हमेशा आपकी तकलीफ़ में आके वो खड़े रहे, कहीं भी आपको ज़रूरत हुई कुटुंब फैमिली की तो वो आपके साथ रहे। लायबिलिटी आपने की, लेकिन लायबिलिटी सामने धीरे 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 लायबिलिटी आपने चुकते भी कर दी, उसको पैसे लौटा भी दिए, या बैंक्स है या कोई भी व्यक्ति पर्सन से आपने जो भी पैसे पानी लिए हैं वो भी आपने लौटाने चालू कर दिए। प्रॉपर्टी का सुख आपको बहुत अच्छा मिला है, माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिला है, लेकिन माँ के साथ कभी अनबनाव भी बन गया है जो नहीं बनने चाहिए, वैसे बनाओ आपके साथ बन गए, कभी माँ आपके लिए तकरार भी बन गई, कभी माँ आपके लिए अच्छी भी बन गई, लेकिन ये सब रिश्तों को संभालते संभालते अभी आप थक गए हो कि और कितना खींचना है ये सब चीज़ों के अंदर। इसलिए ये साल में तो माँ से जो आपके संबंध है वो, ये साल 2021 की बात करें उसमें 99.100% आपको बिगड़ने का चांसेस है, उससे मतभेद हो सकते हैं, माँ से मन भेद हो सकता है, फिर धीरे धीरे रिश्ते आपके ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अभी की बात करें, 2021 की बात कर रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा माँ से लगती चीज़ों में, प्रॉपर्टी लगती चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है, वहीं आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई भारी घाटा हो सकता है। एक तो आपने जीवन भर आपके पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आपने बहुत सारे धोखे खाए, लाइफ पार्टनर भी आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, या उनके साथ जो रिश्ते हैं वो कहीं लगता है कि हमने बना के रखे हुए, जिसका 14 अगस्त के बाद का जन्म है उसके लिए पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अच्छे माने जाएंगे, लेकिन उसके पहले का जो जन्म है, 14 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग को ये सब समस्याएं ज़्यादा देखनी पड़ी, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसमें धोखा मिला आपको, शादी आपकी हुई टूट गई, एंगेजमेंट हुई टूट गई, या इनके लिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ें देखनी पड़ी इनसे रिलेटेड, बिजनेस से, लाइफ पार्टनर, या आपकी लाइफ में कोई आया व्यक्ति पर्सन
अननोन पर्सन और उसने आपको काफ़ी नुकसान घाटा करवा दिया। 14 अगस्त के पहले की बात है, फिर 14 अगस्त के बाद ये सब बातें चेंज हो जाती है। हालांकि आपको लाइफ पार्टनर से फ़ायदा भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी आपको मन में कहीं ना कहीं एक उद्वेग है उनके लिए, कुछ ना कुछ खटराग अभी भी चल रहा है उनके लिए। इसलिए 1960 वाले जो व्यक्ति पर्सन है उसको बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से ये सब चीज़ें ओपन नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ी चीज़ें गुप्त रखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें उनके सामने एक्सपोज नहीं करनी है, क्योंकि वही चीज़ें आपने जो चीज़ें बताई है वही आपके सामने वो ला के आपको दगा दे सकते हैं, आपको डरा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सब समस्या आ सकती है आपको, इसलिए आपको हमेशा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से थोड़ा ये सब चीज़ें गुप्त रख के काम करना है, एक्सपोज नहीं करना। कोई भी काम आप कर रहे हो जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं वो उनके सामने ओपन नहीं करनी, क्योंकि ये कल चीज़ें आपके सामने वो रख सकते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सब बातें हैं पूरे साल भर के लिए, मतलब 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर 1960 के लिए है उनकी बात ये सब की है। 14 अगस्त के बाद रिश्ते रहेंगे, लाइफ पार्टनर भी बहेगा बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभी भी कुछ मनभेद मतभेद आप लोगों के बीच में चलता रहेगा। फिर से कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट बनेगी तो फिर से आप उनके साथ जुड़ जाओगे, लेकिन फिर से कोई ना कोई ऐसा बनाव आएगा तो फिर थोड़ा दोनों के बीच में एक तकरार होगी। ये सब चीज़ें 14 अगस्त वाले की बात का जो जन्म है उनके लिए सब बातें हैं। इसलिए कुंभ राशि ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी मानी गई है 1960 के लिए, लेकिन ये सब समस्याएं जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है उनके लिए आपको रहेगी। आपको एक ही काम करना है, आपको शनि महाराज की उपासना करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शनि आपकी राशि का लॉर्ड्स है। आपका माइंड भी विवेरिक है, आपका माइंड सेटअप नहीं है, आप डबल माइंड है, विवेरिक माइंड हो, ये करूँ वो करूँ इसमें सब चीज़ें रह जाती है, आपको नज़र ज़्यादा लग जाती है, आपकी दुश्मन ज़्यादा है। तो दुश्मन को घटाने के लिए आपको एक साधना होती है गोपाल की, श्री कृष्ण भगवान की, वो साधना करवा, कोई भी अच्छे पंडित जी को पकड़िए, उनको पूछिए कि भाई ये जो चीज़ें हैं उसको कैसे की जाती है, किस तरह से की जाती है, वो आपको सही नॉलेज देंगे, सही आइडिया देंगे कि जो दुश्मन है वो दुश्मन के लिए कौन सी विधि विधान होता है, तो वो कीजिए। आपका माइंड स्टेबल नहीं तो उसको स्टेबल कीजिए, उसके लिए चंद्र का उपाय है, वो चंद्र का उपाय आप सोमवार के दिन संध्या काल को 7 बजे के बाद दूध के अंदर काला तिल और पानी और दूध मिक्स करके आप वाइट लोटे में चंद्र को जल दीजिए। सफ़ेद चीज़ उस दिन खाइए, पूनम की चीज़ दिन पूरा सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, सफ़ेद चीज़ें खाइए, तो इससे थोड़ी जो आपकी मानसिकता है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। आपके जो रिश्ते बार बार टूटते हैं लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लोगों से, तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत शांति मिलेगी। 1960 की बात की, कुंभ राशि बर्थ पर्सन कुंडली में योग बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपकी मानसिकता, आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति पर्सन ऐसा आया जिसने आपकी लाइफ को तहस नहस कर दिया, आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये सब चीज़ें पहले से आए व्यक्ति पर्सन को कोई अच्छे पंडित जी, अच्छे एस्ट्रोलॉजर गुरु सर को पकड़ के उसके फॉलो करके चलना चाहिए, तो काफ़ी ये सब चीज़ों से आप बच सकते थे, काफ़ी चीज़ों से राहत आपको मिल सकती थी। लेकिन अभी सब चीज़ें हाथ में से चली गई, उसके पीछे दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।